प्रेज़ लॉर्ड चर्च, आप सभी का स्वागत है हमारी फ्राइडे ऑनलाइन सर्विस के लिए। और ये एक स्पेशल सर्विस है, और क्यों ना चर्च आज का दिन यहोवा बनाया है तो हम सब मिलकर उसमें आनंदित हो जाए, मगन हो जाए, खुशी की आराधना उत्साह से आराधना से करें। मैंने इसे जानता हूँ कि आज परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। सो अगर आप विश्वास करते हैं मेरे साथ तो क्यों ना जोर से हालेलुया कहें। आमीन। परमेश्वर आपके बीच में है और वो हमारे साथ है। तो चर्च आइए कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें, उसके समूह जाए। वो भलाई करने में उत्तम परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि माफ सत्य और जीवन उसी को ही है। क्यों ना हम उस पर भरोसा रखें, क्यों ना उस पर अपने अपने विश्वास को और बढ़ाए, अपनी सारी चिंताओं को उसकी ओर सौंप दे, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दे। आज यीशु मसीह आपके बीच में है, वो तैयार है आपसे बात करने के लिए, वो तैयार है आपको छूने के लिए, वो तैयार है आपके हृदय को बदलने के लिए, वो तैयार है आज एक नए अभिषेक से आपको भरने के लिए। आइए चर्च अपनी आवाज को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस, तू यहोवा ही परमेश्वर है, तू मेरा उपाय करता है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ora la pace che ne deve vedere sarà la pace che ne deve vedere. Ora la pace che ne deve vedere. O tu mi arraja e mi lascia a me. Mi lascia in cara a tua. Mi dici di cavare e ti lascio. Oh, thank you, Jesus. और स्किन को हमारे साथ मिल रहा है।
देखेगी तेरी रोशनी लाला हे लाला 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 तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी लाला हे ला 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 la 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 he he la la oh la 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 he he la la name jiunga name jiunga see your me सांसे भी मेरी तेरी हुई ना मैं जीऊंगा किसी और में अब सांसे भी मेरी तेरी हुई मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी लाला हे ला 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 हे ला 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 हे हे la la oh la 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 hey hey la la तूफानों को थमा दे मुर्दों को भी जिला दे ऐसा है जिंदा खुदा तेरा मेरा मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए अब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी तूफानों को थमा दे मुर्दों को भी जिला दे ऐसा है जिंदा खुदा तेरा मेरा मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी la 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 la
shala la ba ba se kerende re 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 ora la la ba ba se terende re 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 आइए चर्च हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो योग्य खुदा है, वो योग्य मेमना है, वो पवित्र मेमना है जो हमारे बदले कुर्बान हुआ। उसने हमारे पापों को सह लिया, हमारे वेदनाओं को सह लिया उसने। क्यों ना उस खुदा को हम धन्यवाद दें, उसका हम शुक्रिया करें, उसकी हम तारीफ करें। वो योग्य है, वो अद्भुत है, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरा वचन कहता है कि सारी सृष्टि का निर्माता तू है और तूने हर एक चीज का निर्माण किया है। प्रभु ये सांसे भी मेरी तेरी ओर से देन है। प्रभु मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। चर्च हम मिलकर उसके गुणों को प्रकट करें, उसका गुणानुवाद करें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तूने बनाया है, मुझको भी तूने रचाया है। तेरे जैसा किया है, मुझको भी तूने बनाया है।
सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ, ओ क्या दे सकता हूँ, ये क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए शुक्रिया करो उसे, शुक्रिया 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 तेरा, हाथ उठाऊंगा, वो यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा।
सर्वदा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रिया तारा से करंदारा से रंदारा वर्षा शिफा है तेरे नाम में, चंगा है यीशु नाम, ओ तेरे नाम में शिफा है। तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मेरे लिए सिंहासन को छोड़कर आया, प्रभु धन्यवाद। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम जो भी प्रार्थना तुझसे करते हैं तो उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। धन्यवाद करते हैं कि तू अपने दूत का पहरा हमारे निमित्त देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू यह स्वयं मौजूद है। सारी बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना और विनती को ना सुनी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। Thank you.
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, और आप सबसे मुलाकात करने का सुंदर समय आ गया, और इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इस बहाने से मैं आज आपसे मिल रहा हूँ। और सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम हमारे जीवनों में कह रहा है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में उतर रही है, और वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। सो अपेक्षा के साथ बैठिए, परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार रखेगा। जब हम उसके वचन पर मन लगाते हैं और ध्यान धरकर सुनते हैं, तब वो हमारे जीवनों में चमत्कार करता। निर्गमन 15:26 में कहता है कि अगर तू मेरा वचन तन मन से सुने और जिसमें वो लिखा है उस पर अगर माने, तो मैं जितने मैं तेरे तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। देखिए परमेश्वर पूरे बाइबल में देखिए कि हर बार परमेश्वर प्रतिज्ञा के पहले कहता है कि अगर तू मेरे वचन को सुनेगा, उस पर मन लगाएगा, उसको स्वीकार करेगा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर का वचन 138:2 में लिखा है कि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसलिए प्रिय आओ, आकाश और पृथ्वी टल जाए पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि वचन को सीखो, वचन पर ध्यान दो, क्योंकि वचन ही है जो चमत्कार करता है, वचन जो जीवन देता है, वचन ही सामर्थ्य को लाता है। इसलिए आज की इस संध्या में हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा की क्षमता में कार्य करना, इन द एबिलिटी ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की क्षमता में काम करना। प्रियो दूसरा कुरिन्थियों का 3:4-5 में पॉल कहता है, करिन्थ की कलीसियाओं को बताना चाहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है, और आज उसमें से हम सुनेंगे। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, परंतु हमारी योग्यता परमेश्वर से और से है। और यहाँ पॉल कलीसिया को बता रहा है कि वो उसकी जो सेवा है, उसका जो जीवन है, उस जीवन के बारे में बताता है, और वो बताता है कि जो कुछ वो कर रहा है, वो सब कुछ उसे परमेश्वर के ओर से मिला है, और वो सब कुछ वो परमेश्वर की योग्यता में काम करता है। तो यहाँ पॉल बताना चाहता है कि हमारा शारीरिक जीवन भी है, शारीरिक शक्ति भी है, बुद्धि भी है, समझ भी है, पर अगर हमें सफलता चाहिए, हमें विजय चाहिए, हमें एक आज़ादी चाहिए, एक मार्ग चाहिए, उस मार्ग हमारे पड़ाव तक हमें पहुंचना है, हमें हमारे लक्ष्य तक अगर हमें पहुंचना है, तो वो हमारी खुद की योग्यता के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की योग्यता द्वारा हम अपने लक्ष्य तक, अपने पड़ाव तक पहुंच सकते हैं, अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकते हैं। प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होंगे, आत्मिक और शारीरिक दोनों लक्ष्य आपके जीवन में होंगे, परंतु दोनों लक्ष्यों को आप कैसे पूरा कर पाएंगे, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। यहाँ लिखा है 2 कुरिन्थियों 3:18 के 18 में, 2 कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सब प्रकार के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पॉल की शुरुआत योग्यता के बारे में, और यहाँ हम देखते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन, एक बदलाव के बारे में पॉल कहता है, और वो बदलाव किसके द्वारा कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा की सहायता, मदद, अगुवाई और सामर्थ हमारे जीवन में ईश्वरीय सामर्थ को, योग्यता को लेकर आता है, ताकि इस पृथ्वी पर हम उत्तम काम कर सकें। आपका और मेरा बुलाव, आपका मेरा चुनाव, आपका मेरी बुलाहट उत्तम करने के लिए है, और वो उत्तम और पराक्रमी परमेश्वर इसलिए चाहता है कि उसके लोग इस पृथ्वी पर उत्तम काम करें, जिसके लिए आप भी चुने गए हैं। इफिसियों की पत्री इसका 2 अध्याय उसके 10 में, इफिसियों की पत्री इसका 2 अध्याय उसका 10वां पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है।
उत्तम काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको सृजा चुना है और सृजा भी गया है, मतलब आप चुनाए भी चुने भी गए हैं, आप निर्माण कहे भी गए हैं और आप चुने भी गए। दो प्रकार की बातें आपके जीवन में हुई कि परमेश्वर ने आपको निर्माण किया और फिर परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उत्तम और भले काम इस दुनिया में कर सके। और इसलिए हमें अपनी पॉल कहते कि मेरी क्षमता नहीं है, इट्स नॉट माई एबिलिटी, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की योग्यता है जिसके द्वारा मैं उसके जैसे काम कर सक रहा हूँ। इट्स नॉट मी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई पावर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई विजडम, इट्स बिकॉज ऑफ द पावर एंड एबिलिटी ऑफ द होली स्पिरिट, इट्स बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ गॉड। और परमेश्वर की योग्यता क्या है? उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसने मनुष्य को दी गई है। जकरिया की किताब उसका चौथा अध्याय उसका छठवां पद क्या कहता है? पुराने नियम में चाहिए, जकरिया की किताब उसका छठवां अध्याय और उसका चौथा अध्याय और छठवां पद, तब उसने मुझे उत्तर दिया जरुबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा द्वारा होगा, मुझसे नौ का यहोवा का यही वचन है। हे सातवां वचन भी कहता है, हे बड़े पहाड़ क्या तू है? जरुबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और चोटी का पत्थर पुकार पुकार उस पर अनुग्रह अनुग्रह। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, आपकी बल और आपके शक्ति से नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये काम होगा और आप इसे कर सकते हैं। हमारी बुलाहट परमेश्वर की सामर्थ्य को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए है, हमारी बुलाहट परमेश्वर के महिमा को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए है, हमारी बुलाहट परमेश्वर के तरीकों को कैसे किस प्रकार से वो काम करता है करने के लिए हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जो बातें हमें बताई उसने यही बताया, बाइबल कहती है कि वो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ था। लुका रचित सुसमाचार इसका चौथा अध्याय और उसका पहला वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा की, लुका रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय चैप्टर 4 और उसका पहला वचन कहता है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा यर्दन से लौटा, और 14 वचन कहता है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गलील को लौटा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने उत्तम काम किए, उन्होंने परमेश्वर जैसे काम किए, पर बाइबल क्या बोलती है? उन्होंने अपने शक्ति से किए, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो पूर्ण मनुष्य थे। उन्होंने फिलिप पत्री कहते हैं कि फिलिपी की पत्री में कहता है दूसरे अध्याय में कि उन्होंने स्वर्गीय स्तरों पर अपनी सारी ईश्वरत्व का छोड़कर, डिविनिटी को छोड़कर वो पृथ्वी पे एक मनुष्य बनकर आए थे। जब वो पृथ्वी पर थे उनके पास कोई भी ईश्वरीय उनकी डिग्निटी उनका नाम नहीं था, वे आपके और मेरे समान एक मनुष्य बनकर आए थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर जैसे काम किए। कैसे? बाइबल कहती कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे होकर उत्तम और परमेश्वर जैसे काम उन्होंने किए। जब उन्होंने पूछा गया मत्ती रचित सुसमाचार में, वो कहते हैं कि ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये सब कुछ उन्हें जब लोगों ने पूछा आप कैसे करते हैं, क्या शैतान के आत्मा से करते हैं, दुष्ट आत्मा के द्वारा करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये सारे काम मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण एग्जाम्पल है। उन्होंने जो कुछ इस पृथ्वी पर करके दिखाया वो सिर्फ उनके तक सीमित नहीं है, उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि वो उनके तक सीमित रहे, उन्होंने इसलिए बताया कि वो काम आप और मैं कर सके। इसलिए उन्होंने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे।
क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि वो जानते थे कि पवित्र आत्मा जब मनुष्य के अंदर में आएगा और जब मनुष्य पवित्र आत्मा से भर जाएगा, वो पवित्र आत्मा जो उनके अंदर है उसकी योग्यता द्वारा वो बड़े बड़े काम करेंगे, उत्तम काम करेंगे, वो भले काम करेंगे, वो महिमा के काम करेंगे। और प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आत्मिक बातों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आत्मिक बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्पिरिचुअल थिंग्स। मैं सिर्फ आत्मिक बातों के बारे में काम नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर एक काम, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, आपकी आप कोई बात की खोज कर रहे हो, इन्वेंशन हो, आपकी स्पोर्ट्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक काम में और पवित्र आत्मा की योग्यता से आप भरे रहेंगे, आप उत्तम और सफल और विजयी और प्रभावशाली काम करेंगे। आप इस दुनिया में प्रभाव छोड़ने के लिए बुलाए गए, इस दुनिया में एक प्रभाव देने के लिए आप बुलाए, इस दुनिया को प्रभावित करने के लिए आप बुलाए गए हैं। और वो कैसे कर पाएंगे? मानवीय बुद्धि, मानवीय शक्ति, मानवीय समझ के अनुसार नहीं, पर ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय समझ और ईश्वरीय सामर्थ्य द्वारा ये सब कुछ हो पाएगा। और इसलिए पॉल कहता है कि हमारी योग्यता नहीं। प्रियो, हमें आज ये समझना आज की शाम में कि परमेश्वर अपनी योग्यता आपको और मुझको देने के लिए तैयार है, वो तैयार है। उसने चेलों को जब कहा कि रुके रहो, क्यों कहा? उन्होंने कहा कुछ मत करो, कोई प्रचार मत करो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में कहता है जब तक मेरी योग्यता है तुम्हें नहीं मिलती। किसके द्वारा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएंगी, वो आपके अंदर में एबिलिटी, क्षमता, योग्यताएं, उन काम करने की योग्यताएं वो आपके अंदर में डाल देंगे। और आप आत्मिक क्षेत्र में और शारीरिक क्षेत्र में वो उस सामर्थ्य द्वारा काम करने पाएंगे। मैं पास्टर केनी थिंगन के बारे में मैं पढ़ रहा था। वो बहुत बीमार थे और मरने के करार पर थे। सारे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप बच नहीं सकते। और उस एक जवान लड़के को प्रभु यीशु ने अद्भुत रीति से चंगा कर दिया। और फिर वो जब कई महीने वो बेड पर पड़ा हुआ था, फिर वो चंगा हो गया, वो स्कूल में जाने लगा। उनकी शारीरिक शक्ति वैसी नहीं थी जैसे आमतौर पर सभी लड़कों की रहती, क्योंकि वो 16 महीने वो बेड पर बेड रिडन थे। उन्हें डायबिटीज़ था, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनके पास में। और ऐसे समय जब परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, उनकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पर जब वो स्कूल में जाने लगे, फिर से जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया और फिर वो जाने लगे और कुछ काम उनको शारीरिक काम सौंपा गया, कुछ साफ सफाई का, तब सब कहने लगे कि अरे ये तो बहुत कमज़ोर है क्योंकि ये बीमारी से उठ कर आए। पर उनका मैं सब कुछ कर सकता हूँ कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने सारे फिजिकल काम, शारीरिक काम जो स्कूल में दिए गए थे उन्होंने किए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है और उसकी सामर्थ्य, उसकी योग्यता में वो उत्तम काम कर सकते हैं। प्रियो, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको चाहता हूँ कि आप कुछ सोचें, कुछ समझें कि आप मसीह की योग्यता में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चल सकते हैं, आप मसीह जैसे काम कर सकते हैं, आप मसीह जैसे जीवन जी सकते हैं, आप सफलता और विजय का जीवन जी सकते हैं, आपकी शारीरिक बल का जीवन आप जी सकते हैं, क्योंकि जो आपके अंदर में है वो आपको बल और शक्ति से भर देगा और आप उत्तम काम कर पाएंगे। पर आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, ना कि आपकी खुद की बुद्धि पर। आपकी बुद्धि आपकी कमजोरी, आपकी अयोग्यता के बारे में बताएगी, आप क्या नहीं कर सकते इसके बारे में बताएगी, आप कितने असफल है उसके बारे में बताएंगी, तो पवित्र आत्मा आपको बताएंगी आप क्या कर सकते हैं, और वो आपके द्वारा उन सारे कामों को करके करवा लेगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। सो आज चुनाव आपके पास में है कि आप अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं। और इसलिए पॉल जकरा किताब में परमेश्वर कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा सारे काम किए जाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा। और आज भी परमेश्वर का वचन वही कहता है कि उसके आत्मा के द्वारा आप उत्तम काम कर सकते हैं ताकि यीशु इस दुनिया में आपके द्वारा इस संसार में प्रकट हो सके।
पहली कलीसिया का सफलता का राज क्या था? वो राज ये था कि उन्होंने वचन को सुना और वो इंतजार करते रहे, और जब बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा आई, उसके सामर्थ्य से वो भर गए, वो एक भिन्न व्यक्ति हो गए। बाइबल कहती है जब शौल राजा पर परमेश्वर की आत्मा उतरी, वो भिन्न व्यक्ति बन गया। He became a different person। आप भी जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप एक भिन्न व्यक्ति बन जाएंगे। वो भिन्न व्यक्ति कौन? भिन्न व्यक्ति का अर्थ नहीं कि आप संसार के कोई कोने में छिप जाएंगे। भिन्न व्यक्ति मतलब वो जो आम दूसरे लोग नहीं कर सकते, वो सारे काम आप उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा कर पाएंगे। जब दाऊद से पूछा गया कि तू क्या गोलियत से लड़ सकता, उसने कहा लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर में उसकी आत्मा के द्वारा वो क्षमता दी है कि मैं भालू और सिंह के साथ लड़ाई कर उन्हें जीतूं, और मैंने जीत लिया। तो उसी आत्मा के सामर्थ्य से मैं उस गोलियत से लड़ सकता हूं। प्रियो, आज पवित्र आत्मा की सहायता से आप किसी प्रकार की विचारों की असफलताओं की निराशा की हार के गोलियत को जीत सकते हैं, क्योंकि वो क्षमता है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर में डाली गई है। पहला कुलुसियों पत्र का पहला अध्याय उस 29वां वचन कहता है, कुलुसियों की पत्र इसका पहला अध्याय 29 वचन, उसके शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालता है, मैं तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ। वो क्या पॉल क्या कर रहा है? पॉल कहता है कुलुसी कलीसिया को कि उसकी शक्ति के द्वारा और उस प्रभाव के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर के साथ। पॉल इतनी सेवा कर रहा था, इतने चमत्कार होते, इतनी कलीसिया स्थापित कर रहा था, राजाओं के सामने खड़ा था, उत्तर दे रहा था बहुत सारी, और उसका खुद का व्यापार बिजनेस भी था, वो भी वो कर रहा था, उसका अच्छा बड़ा बिजनेस था और कई लोगों को अपने साथ में लेकर घूमता था। वो कहता कि उस सामर्थ्य शक्ति के अनुसार जो मुझ में प्रभाव डालती है, मैं स्तन में लगा सब कुछ कर सकता हूँ। आज परमेश्वर का वचन आपको यही बता रहा, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने मन में मत सोचिए कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, आप और दूसरी बातें नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, आप सुसमाचार नहीं सुन सकते, आप बीमार के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, आप दुष्टात्मा नहीं निकाल सकते। कोई भी बात जो परमेश्वर के महिमा के लिए, वो सब कुछ आप प्रभु यीशु मसीह द्वारा उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा कर सकते, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी योग्यताएं आपके अंदर में डालता है। आपके अंदर में हर एक विश्वासी के अंदर में वो योग्यताएं डालता है ताकि आप उत्तम काम कर सके। फिलिप की पत्री इसका चौथा अध्याय 13 वचन में क्या कहता है, जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में, उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, सब उत्तम काम कर सकते हैं। आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा परिवार बन सकते हैं, आप अच्छे पति बन सकते हैं, आप अच्छे पत्नी बन सकते हैं, आप अच्छे बच्चे बन सकते हैं, आप अच्छे मित्र बन सकते हैं, आप अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, आप अच्छे प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, आप परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के वचन सिखाने वाले बन सकते हैं। आप हर कुछ कर सकते हैं जो आपके अंदर में सामर्थ्य डालता है। आप एक सूची बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, हर एक काम। पॉल कहते हैं कि हर एक काम मैं सब कुछ कर सकता हूं, मतलब आप भी सब कुछ कर सकते हैं जो आपके अंदर में सामर्थ्य डालता है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आज तक आप असफलता में होंगे, आप चर्च में आ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपने बहुत प्रार्थना की, बहुत कोशिश की, फिर भी आप असफल हो रहे हैं। शायद आपके निजी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके पति या पत्नी होने के रोल में, आपके पिता होने के, पेरेंट्स होने के रोल में, या आप मित्र होने के रोल में, या प्रचारक के रूप में, या किसी भी रूप में शायद आप उतना काम नहीं कर पाए होंगे। पर आज मेरे लिए मेरे पास एक अच्छी वार्ता है कि सब कुछ आप कर सकते हैं। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में रहता है, वो आपको योग्यता देगा। उसे पूछिए, उसे मांगिए, उसके साथ अपना कम्युनिकेशन कीजिए, उसे वार्तालाप कीजिए। वो आपके अंदर में है, वो आपको मदद करना चाहता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से मसीह उनके अंदर में पवित्र आत्मा होने के बाद भी उससे कोई वार्तालाप नहीं करते, और वो ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं। इसलिए उसकी सामर्थ, उसकी योग्यता है, उसकी मदद वो अपने जीवन में पा नहीं पाते। क्या आप रोज पवित्र आत्मा से बात करते हैं? क्या रोज आप उससे मदद मांगते हैं?
हर एक छोटे बड़े काम में, क्या आप खाना पकाते वक्त भी आप पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं? अरे मुझे खाना पकाने के लिए पवित्र आत्मा की, हाँ उत्तम अच्छा खाना बनाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की मदद मिल सकती है। और आप उसे पूछेंगे तो वो अच्छा खाना बनाता है, वो आपको अच्छी रेसिपी दे सकता है, आपको बना सकता है अच्छा। आपकी पढ़ाई में आप उसकी मदद मांगे, आपके बिजनेस में आप उसकी मदद मांगे, वो आपके अंदर में है। आपके सामाजिक काम करने में वो आपकी मदद कर सकता है, आपके आत्मिक काम करने में आपकी मदद कर सकता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि कितने मसीह उनके अंदर पवित्र आत्मा होने के बाद में भी वो पवित्र आत्मा का उपयोग, उसका उसकी मदद नहीं मांगते, वो मदद करने के लिए तैयार है। यीशु ने कहा वो आएगा और तुम्हारी मदद करेगा, उसकी एक ही सेवा है कि वो आपकी मदद करे और आपके अंदर में वो योग्यताएं उत्पन्न करें जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो और जो प्रभावशाली हो। इस दुनिया में आप प्रभावित प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं क्योंकि वो आत्मा आपके अंदर में प्रभावशाली बनाने के लिए। पर क्या उस पवित्र आत्मा की हम मदद मांगते हैं? क्या हमने पहचाना है और क्या हमने उस पर विश्वास किया है और उसकी उपस्थिति का अनुभव एहसास विश्वास के साथ हमने किया है कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है? तो उस विश्वास साथ उससे बात करना आपने शुरू किया है कभी? नहीं ना प्रियो, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर में परमेश्वर के वचन के अनुसार जो पवित्र आत्मा है, विश्वास के साथ उससे आज से वार्तालाप करना शुरू कीजिए। शायद कुछ समय आप थोड़ी संघर्ष होगा उसकी बातें सुनने में, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप उसकी सुनना शुरू करेंगे अगर आप उससे वार्तालाप करना शुरू करें। उससे पूछिए, उसे बताइए, उसे अपने दिल का हाल बताइए, अपनी असफलता को बताइए, उससे मदद मांगिए, उससे बुद्धि मांगिए, उससे सामर्थ मांगिए, वो आपको देगा। उसका तो एक ही मकसद है कि विश्वासी उसके सामर्थ और योग्यता का उपयोग करे, उसके बुद्धि का उपयोग करे। एक ही मकसद है उसके बुद्धि का, उसके सामर्थ का, उसकी योग्यता का वो उपयोग करे। वो चाहता है कि आप उसको इस्तेमाल करें, वो चाहता है कि आप इस्तेमाल करें, आप उसको इस्तेमाल करें। पर बहुत से मसीह उसे पहचानते ही नहीं, उसे वार्तालाप भी नहीं करते, वो नाम उसका लेते हैं पर उसको दूर रखते हैं। वो हमारे दिल के कोने में कहीं एक जगह बैठा हुआ है और कहते हैं हाँ पवित्र आत्मा है पर मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करें, मेरे शक्ति का इस्तेमाल, मेरे 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 पहचान का मुझे इस्तेमाल कर लीजिए, मेरे प्रभाव का मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। प्रियो आज आपके लिए शुभ वार्ता है, उसे दिल के कोने में मत रखिए, दिल के मध्य में लेकर आइए, आपके जीवन के मध्य में लेकर आइए। हर एक बात पे उसकी उसका उपयोग करना शुरू कीजिए, उसकी मदद लीजिए, वो आपको मदद करेंगे। और फिर एक दिन आप भी पॉल जैसे कह पाएंगे कि मैं उस जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए अभी कहिए, कहिए पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे अंदर में है, मुझे क्षमा कर कि मैंने इतने दिन तुझे नकारा, इतने दिन मैंने तेरी पहचान को स्वीकार नहीं किया, आज मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। तेरी मदद मुझे चाहिए एक अच्छा प्रभावशाली जीवन जीने के लिए, वो परमेश्वर की योग्यता प्राप्त करने के लिए मुझे तो चाहिए। उसे बताइए मैं प्रियो, वो आएगा, वो खुश होगा आपसे, आपके शब्द सुनकर वो खुश होगा। और आज की रात एक परिवर्तन वो आपके जीवन में लेकर आएगा, जितने उसे पुकारेंगे आज उन सबों के पास वो आकर उनकी मदद करेगा और एक अद्भुत छुटकारे का जीवन आप जीना शुरू करें, एक अद्भुत प्रभावशाली जीवन आप जीना शुरू करें, एक अद्भुत परमेश्वर की योग्यता में आप काम करना और जीवन जीना शुरू कर देंगे जिससे उस परमेश्वर की महिमा हो और आप इस दुनिया में सफल व्यक्ति बनकर रहे। क्यों ना हम इस महान परमेश्वर की जिसने हमारे लिए सब कुछ रखा है उस पर विश्वास करें। विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि, आपके अनुभव, आपके शास्त्र आपको कुछ भी बता रहे होंगे परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए है, वो आपके और मेरी मदद के लिए। तो क्यों ना आज के इस रात्रि में उसे कहें कि पवित्र आत्मा आज किसी भी संघर्ष में आप जी रहे होंगे, आज किसी भी दुविधा में आप जीवन जी रहोगे, आज किसी भी असफलता में जीवन जी रहोगे, आज किसी भी बीमारी में आप जीवन जी रहोगे, आज किसी भी गरीबी में आप जीवन जी रहोगे, आप किसी कर्जों में आप जीवन जी रहोगे, आप किसी भी किसी प्रकार के संबंध टूटे हुए होंगे आपके, पवित्र आत्मा से कहे पवित्र आत्मा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो परमेश्वर के वचन के अनुसार
आपकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। और रोज उससे बात कीजिए, रोज उससे बोलिए, रोज उसके साथ समय बिताइए, रोज उसके दिव्य भाषा को बोलिए, अन्य भाषा जो उसने दी उसको बोलिए, ताकि वो निरंतर सक्रिय रहे। अपने अंदर के पवित्र आत्मा को हमेशा सक्रिय बना के रखिए, एक्टिवेट कीजिए उसको, एक्टिव रखिए उसको, उसको एक जगह बैठने मत दीजिए, उसको एक्टिव कीजिए, सक्रिय कीजिए, उसको बार बार पूछिए, उसको बोलिए चलिए, वो आपके साथ आएगा, आप जहां भी जाएंगे वो आपके साथ में आएगा, आपकी मदद करेगा, उसको सक्रिय कीजिए। आज की रात उसे बुलाइए और देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है, और आप भी एक सफल व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में, सिर्फ सफल ही नहीं पर आप योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ काम करके हुए लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और परमेश्वर के महिमा को इस दुनिया में प्रकट करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और इस पवित्र आत्मा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज हम निर्णय लेते हैं कि आज से हम अपनी क्षमता में नहीं परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा की क्षमता और योग्यता में चलेंगे। आइए प्रियो उसे पुकारे, उसे कहिए पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, तो परमेश्वर की योग्यताएं मुझे दीजिए ताकि उस सामर्थ्य योग्यता के साथ मैं सब कुछ इस दुनिया में कर सकूं। पवित्र आत्मा इतने दिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मेरे अंदर रहते हुए भी, पर आज पवित्र आत्मा मैंने जान लिया है कि मेरा शरीर आपका मंदिर है, आप उसमें निवास करते हैं, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं, मुझे आशीष दीजिए ताकि मैं आपकी सामर्थ्य आपकी योग्यता में इस दुनिया में वो सारे काम कर सकूं जिसके लिए पिता ने और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, चाहे मेरी आत्मिक जीवन हो चाहे मेरी शारीरिक जीवन हो, सब स्थानों पर पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। आप पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मेरी बातें सुनी, इसलिए आज से एक संबंधों में साथ मिलकर हम काम करेंगे, आप हमेशा मेरे साथ में रहिए, मैं आपकी आवाज सुनूंगा, हमारी वार्तालाप में अब आज से कभी कभी नहीं आएंगी पर हमारे वार्तालाप हमारी बातचीत अब आज से निरंतर शुरू होंगे, आज जो शुरू होगी अब निरंतर बढ़ते जाएंगे। थैंक यू पवित्र आत्मा, श्रीमान महिमा पिता हम तुझको देते हैं, इस वक्त इन प्रिय लोगों को तेरे हाथ पे सौंपते हैं, इस प्रकाशन को समझने में स्वीकार करने में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य योग्यता प्राप्त करने में उनकी तू मदद कर, तेरे लोहे में छिपा रखते हैं, सुरक्षित रख पिता, हर एक बीमारी से बचाए रख, हर एक अशांति से बचाए, हर एक भय से बचाए रख, इस महामारी में भी आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहने दे, आपका सुरक्षा उनके साथ बना दे और आपकी सामर्थ्य उनमें और उनके ऊपर उनके अंदर में छाई रहने दे। धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के हाथ में सब कुछ सौंपते हैं, और कोई इस वक्त बीमार है मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु अपने महान सामर्थ्य को भेज और आपके सामर्थ्य नाम से उसे छुटकारा चंगाई दे, कोई संकट में उसमें से उसको यीशु मसीह अपने नाम से बाहर निकाल, रास्ता दिखा, आशीषित कर, पारिवारिक शांति और आनंद दे, प्रभु जी एकता बनी रहने दे और तेरी महिमा प्रकट कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा बनी रहे, आमीन।